हेलो गाइस, आई होप यू आर ऑल फाइन हम आज से अपना बेसिक काम शुरू कर रहे हैं दैट इज़ स्टिंग अबाउट इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स क्या है और वो पढ़ना क्यों ज़रूरी है इंजीनियर्स के लिए जिस तरीके से आपको पता है कि इंजीनियरिंग की जो बेसिक डेफिनेशन है दैट इज इंजीनियरिंग इज द प्रोफेशन इन विच नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंसिस गेन बाय द स्टडी एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस इज अप्लाइड विद जजमेंट टू डेवलप वेज टू यूटिलाइज इकोनॉमिकली मेटीरियल एंड फोर्स ऑफ नेचर फॉर बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड दिस इज़ अ सो कॉल्ड डेफिनेशन जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि जो इंजीनियरिंग है उसमें हम मैथमेटिकल एंड नेचुरल साइंसेस को मिलाकर उसमें एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस शामिल करके वो तरीके बनाने की कोशिश करते हैं जिससे हम मजीद ह्यूमन बींग्स को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें उनकी लाइफ में आराम ला सकें थ्रू मशीन एंड थ्रू अदर सोर्सेज लेकिन इस डेफिनेशन में एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है दैट इज़ इकनॉमिकली इकनॉमिकली का मतलब है कि ये सारा काम सस्ते में हो जाना चाहिए ठीक है ये सारा काम एक ऐसे तरीके में होना चाहिए जहां पर सबसे कम फंड्स या सबसे कम मनी इन्वॉल्व हो नॉर्मली ये कहा जाता है कि आ, इंजीनियर एक ऐसा शख्स होता है जो कि वो काम एक डॉलर का करेगा जो कि कोई दूसरा आम शख्स दो डॉलर का करेगा इसका मतलब है इंजीनियरिंग की बेसिक डेफिनेशन में ये चीज शामिल है कि जिस वक़्त तक आपका काम बेहतर होने के साथ साथ चीप भी नहीं होगा सस्ता भी नहीं होगा उसमें फंड्स कम रिक्वायर्ड नहीं होंगे उस वक़्त तक वो बेनिफिशियल नहीं हो सकता इसका मतलब है इंजीनियरिंग के अंदर भी हम कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस वैसे ही देखते हैं आप अगर अभी अगर देखें ये जो आ, ये जो स्पेस एक्स का पूरा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर एक कंपनी जो है वो पूरे पूरे सेटेलाइट दुनिया में भेज रही है आप क्या समझते हैं कि अब वो सारे के सारे काम कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस को देखे बगैर किए जा रहे हैं नहीं कहीं ना कहीं उसके पीछे भी प्रॉफिट ही इन्वॉल्व है ना इसका मतलब है कि दुनिया जो है वो इस किस्म के सारे काम प्रॉफिट को मद्देनजर रख के कर रही है एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशन हम जब नॉर्मली इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि हमने इसको इकोनॉमी के हवाले से देखना है हमें इसको एफिशिएंसी और और इफ़ेक्टिवनेस के हवाले से देखना है बल्कि हम बस सिर्फ काम करने में इंटरेस्टेड होते हैं तो so ये जो पूरा कोर्स है ये बेसिकली उन तमाम मेथड्स और उन तमाम प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कस करता है जहाँ पर हमें ये देखना होता है कि इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के डिसीजन लेने वक्त जब हम ले रहे होंगे उस वक्त इकोनॉमिकली या इकॉनमी होना कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वो सेम कोटेशन जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था और सर वेलिंगटन ने कहा कि इंजीनियरिंग इज द आर्ट ऑफ डूइंग दैट विद विद डॉलर एनी बंगलर बंगलर कैन डू इज को कहते हैं <coughs> अच्छा अब इसमें इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में पहला कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमिक्स क्या चीज होती है तो एक तो इकोनॉमिक तो डिफाइन करने के मुख्तु तरीके हैं मिसाल के तौर पर हम नॉर्मली ये कहते हैं कि किस तरीके से इंडिविजुअल अपने स्किल्स रिसोर्सिस को यूज करती है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स ठीक है स्केयर्स रिसोर्स एक बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट है जो कि इकनॉमिक्स में इस्तेमाल होता है और इस कॉन्सेप्ट के तहत हम ये कहते हैं कि रिसोर्स ऑलवेज स्केयर्स ठीक है यानी कि आप एक आप एक अगर ह्यूमन बींग है या आप एक कंपनी है या आप एक मुल्क है आपके पास हमेशा पैसे कम होंगे ठीक है ना आप आ, आप एक ह्यूमन है तब भी पैसे कम होंगे आप एक कंपनी है तब भी आपके पास पैसे कम होंगे आप एक मुल्क है तब भी पैसे कम होंगे अच्छा रिसोर्स सिर्फ पैसे नहीं है रिसोर्स में ह्यूमन uh, रिसोर्स शामिल है आपके पास हमेशा ह्यूमन रिसोर्स कम होती है ठीक है वो अल, वो अलग बात है कि आप अपनी नालायकी से उन्हें फारिग बिठा रहे लेकिन अदरवाइज अगर आप काम करना चाहें तो हमेशा लोग कम होते हैं uh, हमें हमेशा आपका हम, 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 आपके पास कैपिटल कम होता है अगर आपको बहुत ज्यादा लैंड की जरूरत है आपके पास लैंड कम होती है लेकिन अब उसको हैंडल कैसे करना है आप देखें दुनिया ने समंदर के अंदर मिट्टी भर भर के पूरे एयरपोर्ट बना लिए सो दैट इज हाउ स्केर्स रिसोर्सेज आर हेंडल्ड तो स्केर्स रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करने का नाम है इकोनॉमिक्स इसी तरीके से जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये ह्यूमन बिहेवियर की साइंस बन जाती है तो इकोनॉमिक्स को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि इट स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड मीन्स हैव मीनसनेटिव यूज़ कि आपके पास पैसा है आपके पास मुख्तरनेटिव यूज हैं आप उससे पढ़ाई कर लें आप उससे खाना खा लें आप उससे पिज्ज़ा खा लें आप उससे घूम फिर आएँ अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से उसको यूज़ करेंगे ऑप्टीमली दैट इज़ स्टंडिंग ह्यूमन बिहेवियर इसको भी हम इकनॉमिक्स कहते हैं इकनॉमिक्स के अंदर जो ये स्किल्स रिसोर्सेज हैं इनको हम नॉर्मली चार टाइप्स या तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं मैं बताता हूँ चार कैसे करते हैं एक्चुअली uh, तौर पर जब हम इकनॉमिक रिसोर्स की बात करते हैं तो ये जो रिसोर्स हैं जिनको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं इकनॉमिक्स के अंदर इसके तीन हिस्से बनते हैं पहला लैंड जिसका मतलब है कि विच इज गिवन जो कि आप बढ़ा नहीं सकते हैं। जो है वो है देन लेबर एफर्ट्स स्किल नॉलेज ऑफ पीपल आर अप्लाइड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड देन कैपिटल कैपिटल के अंदर दोनों कैपिटल शामिल होते हैं फिजिकल कैपिटल भी शामिल होता है जिसमें सामान मशीनरी बिल्डिंग है और फाइनेंशियल कैपिटल शामिल होता है जिसके अंदर मनी आ जाती है अच्छा कुछ ऐसी आ, बुक्स हैं जो आप इसके अंदर एक चौथा जो कॉन्सेप्ट है वो शामिल करती हैं एंड दैट इज दे से कि जी इकोनॉमिक एक जो बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिसोर्स है दैट रिलेट्स टू टेक्नोलॉजी दैट रिलेट्स टू ह्यूमन कैपिटल तो फिर वो ह्यूमन कैपिटल के अंदर एजुकेशन ट्रेनिंग और लेबर से भी वो सारी नॉलेज उठा के इधर ट्रांसफर कर दिया करती हैं है। तो बाज़ जो जो जगहों पर इकोनॉमिक रिसोर्स या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में तीन चीज़ों का जिक्र होगा बाद में चार का जिक्र होगा लेकिन ओवरऑल ये चीज़ें वही हैं जो हम सारी बात करते हैं इकोनॉमिक्स तो क्या क्या काम करता है इकोनॉमिक्स का काम यह है कि इनको किस तरीके से मैक्सिमम यूज किया जाए या ऑप्टिमली यूज किया जाए। अच्छा, यहां पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की <coughs> हालांकि ये इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स का डायरेक्ट काम नहीं है लेकिन हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं जब हमने इकोनॉमिक्स की बात की तो हमने कहा कि इकोनॉमिक्स का मतलब यह है कि किस तरीके से आपने यूज़ करना है रिसोर्सेज को अच्छा इसी इकोनॉमिक्स को जब मैं कंपनीज के केस में इस्तेमाल करूंगा और मैं कहूंगा कि कंपनी अपने रिसोर्स को कैसे इस्तेमाल करेगी तो इसी इकोनॉमिक या इकॉनमी को या इकोनॉमिक्स को मैं कंपनी के केस में बोल दूंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है यही काम जब एक इंटरनेशनल कंपनी करेगी और वो ये प्लान कर रही होगी यूएस में बैठ के कि हमने किस तरीके से पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश फ्रांस जर्मनी के अंदर अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है तो वो कंपनी काम कर रही होगी इंटरनेशनल फाइनेंस का यही काम जब किसी मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में इसाक डार साहब या असद उमर साहब या हफी शेख साहब या कोई भी हो वो जब यही काम बैठ के कर रहे होंगे कि हाउ टू ऑप्टिमली यूटिलाइज दी रिसोर्सेज अवेलेबल इन दी पाकिस्तान देन दिस विल बी कॉल्ड पब्लिक फाइनेंस तो इसका मतलब है आप देखें इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस आर वेरी मच रिलेटेड इज नॉट अकाउंटिंग ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स अवेलेबल विद एन ऑर्गनाइजेशन और कंट्री तो उसको हम कभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं कभी कॉर्पोरेट फाइनेंस कहते हैं कभी हम उसको इंटरनेशनल फाइनेंस कहते हैं कभी हम उसको पब्लिक फाइनेंस कहते हैं और यही काम जब इंजीनियरिंग के शोबे में कोई इंजीनियर करता है कि how, how दी रिसोर्स अवेलेबल ताकि आप बेहतर से बेहतर डिसीजन कर सकें तो इसको हम इंजीनियर्स की नज़र में इंजीनियरिंग इकनॉमिक्स कहते हैं ये जो इंजीनियरिंग इकनॉमिक्स की जो एवोल्यूशन है इसका बेसिक कंसर्न ही यही है कि किसी तरीके से आप जो चीज़ों को ऑप्टिमली यूटिलाइज करें और ये जो ऑप्टिमली यूटिलाइज करने का कॉन्सेप्ट है दिस कॉन्सेप्ट डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट मॉडर्न इंजीनियरिंग प्रैक्टिस विद द पास्ट पास्ट में इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशन या इतनी लंबी चौड़ी डिटेल नहीं होती थी अब जो आज का जो मॉडर्न इंजीनियर है उसकी कहानी स्टार्ट यहाँ से होती है कि जो मैं जो मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ क्या ये फाइनेंशली वाइबल है ये जो मैं मैं, मैं मशीन बना रहा हूँ क्या ये इतने की बनेगी कि हम इसको बड़े आराम से मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमा सकें क्योंकि आप देखें आपके हाथ में जो आज आज जो मोबाइल फोन होता है या जो जो भी मशीनरी होती है उसकी खूबियां अपनी जगह लेकिन सबसे पहले आप ये देख रहे होते हैं कि कैन आई अफोर्ड इट और नॉट ठीक है तो सारी कहानी अफोर्डेबिलिटी से शुरू होती है इसका मतलब है आपने अगर एक बहुत अच्छा डिजाइन बना लिया बहुत अच्छी साइंस बना ली लेकिन अगर लोग उसको खरीदने की पोजिशन में नहीं देन कोई फायदा नहीं तो ये एवोल्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स है ठीक है ओके अब हमें इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स चाहिए क्यों पर्पस हम इसका समझ चुके हैं पर्पज़ क्या है कि इस टू डिवेलप एंड इलेस्ट्रेट द प्रिंसिपल्स एंड मैथडोजी रिक्वायर्ड टू आंसर द बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन ऑफ़ एवरी डिज़ाइन हम इसको इसलिए पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई डिज़ाइन तैयार किया जाए तो उससे रिलेटेड जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में बात की जा सके कि हमें उस डिज़ाइन के ऊपर कौन कौन से बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल जगाने और वो सब सबसे बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल क्या है वो वही जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है कि क्या बेनिफिट जो है वो ज़्यादा है और कॉस्ट कम है या नहीं है अगर कॉस्ट ज्यादा है और बेनिफिट कम है तो कहानी खत्म हो जाती है तो इस चीज़ को समझने के लिए इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स हमें कुछ स्टेप्स बताती है कुछ तरीके बताती है कि आपने किस तरीके से सिस्टमेटिक एवोल्यूशन करने किसी भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के सोलूशन के यानी कि लेट सपोज अगर एक प्रॉब्लम मेरे सामने मैं अगर आपको सिंपल मिसाल दे दूँ आई एम राइट नाउ सेटिंग इन अ रूम जो कि टॉप फ्लोर के ऊपर मौजूद है अब उस टॉप फ्लोर के ऊपर जो जब धूप पड़ती है तो वो कमरा गर्म हो जाता है और मुझे उसको कूलिंग करने के लिए एसी की ज़रूरत है ठीक है नाउ आई हैव टू ऑप्शंस मेरे पास पहली ऑप्शन ये है कि मैं अपने रूम में एक एसी लगा लूं और उस एसी का महीने का दस हज़ार रुपये का बिल पे करूं और मैं कमरे को एक एक रीज़नेबल लेवल पर ठंडा रखूँ दूसरा तरीके का ये है कि मैं अगर उस कमरे के शीशे जो हैं वो एक ख़ास किस्म की ग्लासेस मिलता है मैं वो अगर लगा लूँ तो उस ग्लासेस लगाने का मुझे फ़ायदा ये होगा कि मुझे एसी कम इस्तेमाल करने पड़ेगा और एसी की कॉस्ट दस हज़ार से पाँच हज़ार पे आ जाएगी लेकिन वो ग्लासेस लगवाने का जो ख़र्चा है ना वो तकरीबन अस्सी हज़ार रुपये है और वो अस्सी हज़ार रुपये का जो ख़र्चा है वो तकरीबन ग्लासेस जो है वो तीन साल काम काम करते हैं तीन साल के बाद वो ग्लासेस की इफ़ेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है तो आपको दोबारा नए ग्लासेस लगवाने पड़ते हैं अब मेरे सामने सिचुएशन क्या आ गई है प्रॉब्लम मेरे सामने क्या आ गई है प्रॉब्लम मेरे सामने ये आई है कि मुझे अपना बिजली का बिल कम करना है दस हज़ार से पाँच हज़ार दस हज़ार से पाँच हज़ार कम करने के लिए तीन साल के लिए क्या मुझे एटी थाउजेंड रुपीज की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए दिस इज अ प्रॉब्लम एंड दिस इज अ क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या है मुझे अपने कमरे का टेम्परेचर uh, सेट करना है और uh, और उसका जो पॉसिबल सोल्यूशन क्या है वो एक ही है मेरे पास पॉसिबल सोल्यूशन दूसरा ये है कि मैं ए सी चलाता रहूं आराम से अब ये जो एक सिंपल सा प्रॉब्लम है इसकी वी नीड टू हैव अस्टमेटिकेशन कि मुझे क्या करना चाहिए मुझे ए के साथ चलना चाहिए या मुझे कमरे के शीशे चेंज करा लेने चाहिए दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ़ इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स ठीक है कि मुझे क्या करना चाहिए और इसका क्या प्रोसीजर होगा हम ज़ाहिर इसको आज पढ़ते रहेंगे अब ज़ाहिर ये जो भी जो भी मेरा डिसीजन है एक को एक, इसको इकोनॉमिकली एक्सेप्ट होने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है कि मुझे ये शो करना पड़ेगा कि मैं जो भी ऑप्शन चूज़ करूँ वो ऑप्शन लॉन्ग टर्म में जो कि यहाँ पे सिर्फ तीन साल का है तीन साल के अंदर अंदर मुझे उस उस जो ऑप्शन में चूज करूँ उस ऑप्शन में मुझे बेनिफिट हो रहा हो ठीक है सो दिस इज ऑल आइडिया अबाउट इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स जो कि हम अपने इस पूरे सेमेस्टर में पढ़ते रहेंगे थैंक यू सो मच गायस